हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीप द ब्लॉगर पर। तो आज हम लोगों का डेस्टिनेशन है कैनिंग हाउस, जो कि कैनिंग पर अवस्थित है। साथ में बने रहे और वीडियो को एंड तक, चलिए चलते हैं कैनिंग की ओर। इस सफर में आज मेरे साथ रहेंगे अकबर, जो कि मेरे परम मित्र हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। फ्रेंड्स, इसी बीच हम लोग सियालदह स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। सियालदह स्टेशन के साउथ स्टेशन पर हम लोग पहुँच कर उसके बाद हम लोग कैनिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। 17वीं शताब्दी के अंत तक कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, एक समृद्ध नदी बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में योगदान दिया था। यह ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में भी कार्य करता था और इससे ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर भी माना जाता था। हाय दोस्त, हम लोग कैनिंग डैम पे अभी जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर दिखाएंगे वीडियो बनाएंगे हम लोग। एक नए बंदरगाह की योजना बनाई गई थी, लेकिन 1850 के दशक की शुरुआत में यहाँ पाया गया कि नदी की पहले गाद जमा कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नदी के किनारे एक बंदरगाह बनाने का फैसला किया था। सर्वेक्षकों को सुंदरबन क्षेत्र में गहराई तक भेजा गया और अंततः उन्हें मतला नदी के किनारे तट पर एक जगह मिली। मतला नदी के तट पर मछली पकड़ने वाले मछुआरों का छोटा सा गांव जल्द ही एक समृद्ध बंदरगाह में तब्दील होने वाला था, जो कोलकाता को पीछे की सीट पर खड़ा कर देता। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स जॉन अर्ल कैनिंग के नाम पर गांव का नाम कैनिंग रखा गया था, लेकिन 1857 के विद्रोह के साथ चीजें अचानक बंद हो गई, लेकिन जल्द ही इसे दबा दिया गया और लॉर्ड कैनिंग के तहत नए पद पर काम शुरू हुआ, जो उस समय के भारत के पहले वाइसरॉय थे। बंदरगाह का परिचालन 1861-62 में शुरू किया गया था और नए बंदरगाह को 1863 में रेल द्वारा कोलकाता से जोड़ दिया गया था। 1864 में फर्डिनेंड स्किलर साहब ने पोर्ट कैनिंग लैंड इन्वेस्टमेंट रिक्लेमेशन और डॉक कंपनी की स्थापना की। होटल, सैरगाह, पार्क और यहां तक कि ट्राम ट्रैक के लिए भी योजनाएं बनाई गई। लेकिन इसी बीच आपदा की भविष्यवाणी हेनरी पेडिंगटन साहब ने की, जो कोलकाता में स्थित एक निम्न स्तर के शिपिंग कंपनी के ऑफिसर थे। अमिताभ घोष के बेस्ट सेलिंग उपन्यास हेनरी टाइड में कई उल्लेख मिलते हैं। जब पेडिंगटन साहब ने पोर्ट कैनिंग की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के बारे में सुना तो उन्हें आपदा की गंध आई। अपने अनुभव से वे जानते थे कि बंदरगाह मैनग्रोव जंगल के बहुत अंदर स्थित था और चक्रवातों से ग्रस्त था। तो फ्रेंड्स, इसी बीच हम लोग कैनिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, जो कि दोपहर का 3 बज रहा है। तो पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे कैनिंग हाउस पर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग के यहाँ पे जाना है हम लोगों को। तो दोपहर का 3 बज चुका है, तो उसी हिसाब से पहले खाना पीना कर लेते हैं। अकबर भाई भी है मेरे साथ, ठीक है। बाबू पहले खाना पीना कर लो, उसके बाद घूमा जाएगा, पूजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग 2.5 घंटा का सफर तय करने के बाद फाइनली कैनिंग हाउस पर पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कैनिंग हाउस का निर्माण 1853 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, मतलब 170 साल पुराना ये हाउस है, कैनिंग हाउस। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके बोर्ड में जितनी भी जानकारी दी हुई है कैनिंग हाउस के संबंध में, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उस समय ये पोर्ट का ऑफिस हुआ करता था। लॉर्ड कैनिंग और लेडी कैनिंग अक्सर काम के सिलसिले पर यहाँ पर आया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैनिंग हाउस के हिस्ट्री में फिर वापस चलते हैं। जब पेडिंगटन साहब ने भविष्यवाणी की कि एक चक्रवात तूफान 15 वर्षों के अंदर बंदरगाह को नष्ट कर देगा, तो उन्होंने वाइसरॉय सहित
अनेक उच्च अधिकारियों को पत्र लिखना शुरू किया, लेकिन किसी ने उनका जवाब नहीं दिया और वे शहर में हंसी के पात्र बन गए। लेकिन पेडिंगटन साहब की भविष्यवाणी के तुलना के अनुसार 1967 में चक्रवात बहुत पहले ही आ गया था। यह कोई बड़ा चक्रवात नहीं था जो बंगाल की खाड़ी में आम बात है, बल्कि यह सिर्फ एक ज्वारीय उछाल था, लेकिन यह पूरे कैनिंग बंदरगाह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। तबाही इतनी बड़ी थी कि 1871 में बंदरगाह को आखिरकार छोड़ दिया गया। अफसोस की बात यह है कि पेडिंगटन साहब अपनी भविष्यवाणी को सच देखने के लिए जीवित नहीं रहे। 1858 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें फ्रांसीसी कब्रिस्तान चंदन नगर में आराम करने के लिए रखा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, कैनिंग हाउस के अंदर हम लोग दाखिल होते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये हाउस एक तरह से ध्वस्त हो चुका है और अम्फान में भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बरगद की झाड़ियों ने पूरी तरह से इसको दबोच के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो यहाँ पे हर दरवाजे पे इस तरह की कुंडी हुआ करती थी जो कि ब्रास का हुआ करता था, जो कि मुझे एक भी दरवाजे में वो चीज देखने को नहीं मिली, उस तरह की ब्रास की कुंडी। उसको उखाड़ के ले जाया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको इस तरह से नष्ट ना करें। और सामने की बरामदा की छत ढह चुकी है। वेस्ट बंगाल हेरिटेज कमीशन से मेरी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जेनरेशन तो हम लोग तो देख लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दी तो हमारा नेक्स्ट जेनरेशन इसको नहीं देख सकता है। इस पर ध्यान दिया जाए और इसको ठीक करवाया जाए, इसके मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जाए। अभी गार्ड नहीं होने के कारण हम लोगों को मना किया जा रहा है। गार्ड आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग चलेंगे कैनी हाउस के ऊपर। हम लोग काफी अंदर जैसे बाबू ओरा बोलते कि अखन अपना जवाब माना आचे अंदर दूसरे जैसे। कैनिंग कोलकाता से सियालदह दक्षिण खंड के माध्यम से उपनगरीय रेलवे द्वारा जुड़ा हुआ है। यात्रा में 2.5 घंटा के समय लगता है। अभी यह सुंदरबन के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। एक पुराने 2 मंजिला इमारत एक समय का प्रसिद्ध कैनिंग पोर्ट ऑफिस हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि बरगद का पेड़ की झुड़िया किस तरह से इस कैनिंग हाउस को पूरे तरह से घेर चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैनिंग हाउस के अंदर दाखिल होते हैं हम लोग। साथ में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अंदर की परिस्थिति भी बहुत विपज्जनक है क्योंकि किसी किसी कमरे के छत ढह चुके हैं। आप लोग को मैं दिखाता हूं आगे। तो फ्रेंड्स, ये शायद उस समय का बाथरूम हुआ करता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वुडन स्टेयरकेस भी है जो कि लकड़ियों की सीढ़ी है, जो आज भी सही सलामत है। आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, चलिए साथ में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो वुडन स्टेयरकेस, लकड़ियों की सीढ़ी, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग लेडी कैनिंग के रूम पर, जहाँ पर कुछ फर्नीचर वगैरह उस समय काल के यूज किए हुए रखे हुए हैं आज भी। चलिए चलकर देखते हैं।
फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि छत इसकी ढह गई है, गिर चुका है छत, बहुत ही नाजुक परिस्थिति में है, कंडीशन इसका बहुत ही खराब है। तो चलिए अब चलते हैं लेडी कैनिंग के रूम पर, जहाँ पर कुछ फर्नीचर वगैरह है उस समय के यूज किए हुए, इजी चेयर, अलमारी, मिटकेस। बंगला में कुछ लिखा हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आया, आप लोगों को अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और एक जीसस क्राइस्ट की फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी कंडीशन भले ही खराब है लेकिन इसके अंदर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अलमारी रखी हुई है या मिटकेस है, इसके अंदर चीनी मिट्टी का कुछ पॉट, एक पॉट रखा हुआ है उस टाइम के यूज किया हुआ। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज देख सकते हैं आप लोग जो कि टूट गया है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं उस समय का यूज किया हुआ इजी चेयर जो खराब हो चुका है। यही सब कुछ चीजें पड़ी हुई है कैनिंग हाउस के अंदर। कैनिंग रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में स्थित ये स्थानीय रूप से लॉर्ड कैनिंग हाउस के रूप में जाना जाता है। चलिए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये उस समय का वॉशरूम हुआ करता था। अपने आंखों के सामने इस तरीके का हिस्टोरिकल चीज खत्म हो रहा है और यहाँ के लोकल लोग इसको और नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि इस चीज पर ध्यान दिए और इसके मेंटेनेंस के लिए कोई कदम उठाए। इस 2 मंजिला ईंट की इमारत में एक धनुष आकार बरामदा है और इसमें 22 कमरे है। अफसोस की बात यह है कि यह बहुत ही खराब स्थिति में है और ढहने के कगार पर है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये उस जमाने का ब्रास का हुआ करता था, कपड़े टांगने की हुक थी ये, लेकिन इसको भी यहाँ के लोकल आदमियों ने नहीं छोड़ा, इसको उखाड़ के यहाँ से लेकर गए। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड ये वाले कमरे का तो पूरा छत ही ढह गया है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं छत के तरफ, गोल घुमावदार सीढ़ी से होते हुए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं उस जमाने के पतले पतले ईंटें जो आज भी बरकरार है। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली कैनिंग हाउस के छत के ऊपर आके खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये उस टाइम का कोई रोशनदान के तरह होता होगा, लाइट पास करने के लिए, लाइट और हवा पास करने के लिए, जो कि आज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और कहीं कहीं छत भी ढह गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे तो आगे तक जाने का इच्छा था लेकिन छत की कंडीशन अच्छी नहीं होने के वजह से मुझे डर भी लग रहा था, तो इसीलिए मैं वापस नीचे के तरफ उतरूंगा। चलिए नीचे के तरफ चलते हैं। ये उस समय का बाथरूम हुआ करता था, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खराब कंडीशन है इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलेंगे बाहर की तरफ।
कैनिंग हाउस के बैक साइड पे चलिए चलते हैं। यहाँ पे सरकार के द्वारा एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। वर्तमान में यह वेस्ट बंगाल हेरिटेज कमीशन के संरक्षण में है। अंग्रेजी और बंगाली में बोर्ड इमारत की इतिहास बताते हैं। भवन के रिस्टोरेशन की योजना की उम्मीद की जा सकती है कि ब्रिटिश भारत की यह विनाशकारी पोर्ट कैनिंग परियोजना के एकमात्र अवशेषों को इसके पूर्व गौरव पर वापस लाया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं कैनिंग हाउस के बेसमेंट पर कुछ गोल गोल सा जैसा होल जैसा कुछ बना हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह अंडरग्राउंड गोडाउन रूम हुआ करता था तब के टाइम पर, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मुझे पता लगा। ऐसा आप लोग जो गोल गोल देख रहे हैं बेसमेंट पे कैनिंग हाउस के, ऐसा ये चारों तरफ से बना हुआ है ऐसा, मतलब पूरा जो कैनिंग हाउस है उसके चारों तरफ ऐसा ही बना हुआ है। नीचे के तरफ ये कोई गोडाउन वगैरह हुआ करती थी उस समय का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आवश्यक जानकारी कुछ बता दूं तो कैनिंग रेलवे स्टेशन सियालदह के दक्षिण खंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ यात्रा करने में 2.5 घंटे का समय लगता है और कैनिंग स्टेशन पहुंचने तक में 15 रुपया का खर्च आता है पर पर्सन का, टिकट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कैसे पहुंचे वहां। तो कैनिंग स्टेशन पर पहुंचने के बाद ऑटो या फिर टोटो लेकर वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर मौसम अनुकूल रहे तो पैदल चलना ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा। खाने की जगह, स्टेशन के पास भोजनालय है, बुनियादी भोजन यहाँ परोसा जाता है। यहाँ पे हर तरह के हिंदू मुस्लिम सब तरह के दुकानें हैं, हाजी बिरयानी हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं, ये दूर से हम लोग वीडियो थोड़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं अंदर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैनिंग से वापस सियालदह के लिए जा रहे हैं। वापस अपने घर आज
আজকাল দেখুন স্ক্যানিং অপশন আমরা টাইমে চার চুকে আপনার ফিরে আপনার দেখে আমরা বহু এনজয় কে আপ ইয়াদে জিয়ালা হয়ে যায় জিয়ালা জায়গা পর ফির আপনি আপনার চলে যায়। तो फ्रेंड्स मैं आज का सफर यहीं समाप्त करता हूं। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य भेजें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इससे हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।